పెద్దల ఆశీర్వాదం భారతదేశం నుండి ఎందరో గంగని బాగుపడాలని కోరుకుంటున్న వ్యక్తుల యొక్క ఆశీర్వాదం ఈ నాటి తరాలు పుస్తకాలు చదివి అలవాట్లేదు ఈ నాటి జనరేషన్ కి ఎవర్ దగ్గరికైనా వెళ్లి వినే అలవాటు తక్కువ కేవలం చిత్ర మాధ్యమం ద్వారానే ఏదైనా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు పది కాలాలు పదిరంగా ఉంటుంది అట్లా ఒకసారి మనం మర్చిపోయిన మన గంగ గొప్పతనాన్ని ఈ చిత్రం ద్వారా మన భారతీయుల అందరికీ హిందీ తెలుగు రెండు భాషల్లో సోషియో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ గా చాలా భారీ బడ్జెట్ తో దీన్ని నిర్మిస్తున్నాం ఈ చిత్రానికి మంచి మనసుతో ఇట్లాంటి మంచి చిత్రాలు చేయాలి అంటే ముందుకొచ్చిన మా నిర్మాత సంపంగి వెంకట గారికి చాలా ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ అట్లాగే పెద్ద మనసుతో వచ్చినటువంటి ఇద్దరు పెద్దలకి సహృదయులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॐ श्री गंगायै नमः सर्वेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नाकु तेलुगु राधु इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलूँगा और यहाँ पर सभी हिंदी समझने वाले ही हैं लगभग नमो गंगा का जो ये बाल चलचित्र हमारे श्रीनिवास जी ने एक बहुत दिन पहले सोचा था कि नमो गंगा का एक बाल चलचित्र प्रस्तुत किया जाए और ये हरिद्वार में आए थे प्रारंभ में ये मेरे से मिले और उस समय मैं जानता नहीं था कि जब ये चलचित्र पूरा होगा तो जब ये प्रस्तुत होगा तब भी शायद मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा और ऐसा संयोग कि आज उसके जो ये चलचित्र जब प्रस्तुत होने जा रहा है तभी मुझे यहाँ पर रहने का सौभाग्य मिला। मैं श्रीनिवास जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से खूब शुभकामनाएं देता हूँ। उनको भगवान से मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको खूब शक्ति दे, इनको खूब सामर्थ्य दे और इस प्रकार से ये पवित्र कार्य निरंतर करते जाएँ। वैसे तो श्रीनिवास जी का नाम मुझे पता चला बहुत बड़ा नाम है, ये तो इनका छोटा नाम है श्रीनिवास, वैसे नाम बहुत बड़ा है और मैंने देखा है कि इनका व्यक्तित्व उस नाम से भी बड़ा है। इनके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनके गुणों को और बढ़ाते रहें। और जो ये इन्होंने जो अभियान छेड़ा है माँ गंगा को पवित्र बनाना, माँ गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करना, आज चलचित्र के माध्यम से हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, तो चलचित्र के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बचा भी सकते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण भी कर सकते हैं। और हमारी संस्कृति के मूल में यदि कोई चीज़ है तो वो मूल में है माँ गंगा, माँ गायत्री, गांव, गौ माता, ये हमारी संस्कृति के मूल आधार रहे हैं। और आज दुर्भाग्य ये है कि हमारी संस्कृति के जो मूल आधार हैं हमने उनकी तरफ ही जो है नज़र घुमाना बंद कर दिया है, हमने उनको उनकी तरफ जो है ध्यान देना बंद कर दिया है। आज पूरे भारत में भारतीय हर व्यक्ति यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी को पूज्य और आराध्य मानता है तो वो माँ गंगा को मानता है, क्योंकि माँ गंगा पतित पावनी है, माँ गंगा मोक्षदायिनी है, माँ गंगा पुण्य सलीला है। और ये माँ गंगा जो हर भारतीय को, भारत के हर कण कण को, इसकी मिट्टी को पवित्र बनाने वाली, आज वो माँ गंगा अपवित्र हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को, जिस दिन प्रत्येक भारतीय अपने मन के विचारों में जो माँ गंगा को प्रदूषित करने वाला जो उनका विचार है और माँ गंगा को वो चाहे ज्ञानपूर्वक चाहे अज्ञानपूर्वक जो प्रदूषित कर रहे हैं, जिस दिन उनका विचार शुद्ध हो गया उस दिन ये माँ गंगा शुद्ध हो जाएगी। और ये नमो गंगा का जो छोटा सा इनका प्रयास है, ये प्रयास माँ गंगा को शुद्ध करने के लिए नहीं है, ये 121 करोड़ भारतीयों की विचारधारा को शुद्ध करने का प्रयास है। और जिस दिन ये विचार शुद्ध हो गया उस दिन माँ गंगा शुद्ध हो जाएगी। माँ गंगा तो शुद्ध ही है, ये तो हमने गंदा कर रखा है। हम सब मिलकर के और यहाँ पर जितने भी मीडिया वाले बंधु, जितने भी हमारे दर्शक भाई हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और इस मूवी को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं इस बात का अनुरोध करूँगा कि आप इस चीज़ को देखें, समझें। और यदि आपको ये लगता है कि मेरा भी कर्तव्य है माँ गंगा को पवित्र बनाने का, तो आप अपने कर्तव्य को पूरी अच्छी तरीके से निर्वाह करें, कभी भी चूके नहीं। माँ गंगा को हम शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें अपनी विचारधारा को पवित्र बनाना पड़ेगा। इस पूरी टीम को, हमारे वेंकटेश जी, श्रीनिवास जी, सभी यहाँ पर जितने भी इनके साथी, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सब ने जो है बहुत
अच्छी तरीके से मेहनत करी है, सबको खूब खूब आशीर्वाद, भगवान आपको खूब शक्ति दे, खूब सामर्थ्य दे। बोले पतित पावनी माँ गंगा की।